शानू की आदत है हर चीज में। क्या गिरा दिया? Know what I got, know what I want. Boy, don't get me wrong. Sure we're having fun. अब मैंने रात को ना किचन की सफाई कर दी है, तो you gotta step up. Tell you what to do, how to make me fall for you. You should learn that on your own. I play cool, cause I hope you pick. मॉर्निंग में देखो शानू के लिए मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता, और ये ब्रेकफास्ट में खाएगा। और आज मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा खराब। देखो अभी बाहर का और हाल दिखाती हूँ, पहले ये ब्रेकफास्ट का काम पूरा कर लूँ। बटर डाल दे, लिया बटर वगैरह। और देखो इसे सुबह ही सुबह ना अब जूस पीना है। शानू की अच्छी आदत ये है कि अपने काम ये खुद कर लेता है। और अभी ना देखो हल्की हल्की सी धूप निकली है बस, हैं? जूस ही तो निकालना है। जूस निकालना तो कम से कम इसे छीलते तो अच्छी तरह से हैं। सिखाना। सिखा दो। हाँ अब ये ना अपनी चीजों की सीजनिंग अब खुद करेगा। मैंने तो इतना कर दिया, अब पता नहीं इसमें क्या क्या डलेगा। अब इसके सौंफ, हट पागल, सौंफ वगैरह नहीं पड़ती इसमें। आप लोग भी जरूर ट्राई करना। चुप रहे, बन गई, अब कर ले इसे चल। और देखो मैं आपको बाहर का वो दिखाती हूँ, ये देखो कितनी बहुत तेज आंधी आई है कल। और देखो ये पूरी जो ग्रीन नेट है ना ये भी टूट गई, और मेरे बहुत सारे जो प्लांटर्स है ना वो भी गिर के टूट गए। किचन का स्टोन है ये भी व्हाइट है, और मैंने जो सिंक लगवाया था ये भी व्हाइट ही लगवाया था क्वार्ट्ज का। अब इसमें ना बीच में गैपिंग आ जाती है, जैसे जहां पे स्टोन होता है और सिंक होता है, और वो गैपिंग बहुत ही खराब लगती है। और वो आती ही है जैसे उसमें कुछ फिलिंग करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिलिंग हटने लगती है। और जो ये खाली गैप्स होते हैं इनको भरने के लिए आती हैं कुछ ट्यूब्स जो कि ग्राउट फिलर का काम करती हैं। ये कई कलर्स में आती हैं और इनको यूज़ करना भी बहुत आसान होता है। बस भर दीजिए गैप्स को और छोड़ दीजिए, और 24 आवर्स तक इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। या कुछ इस तरीके के कॉक टेप्स आते हैं जो कि कलर में भी आते हैं, ट्रांसपेरेंट भी आते हैं। इनको आप बाथरूम्स में यूज़ कर सकते हैं, या टाइल्स या किसी भी स्टोन के बीच में जो गैप होता है ना उसे इससे भरा जा सकता है। और हाँ, हॉब में भी इसको यूज़ करिए, पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा इससे। और ये ट्रांसपेरेंट मैंने पहले यूज़ किए थे, और अब मैंने ना कलर्ड मंगाया। और उसका रीज़न ये था कि जो मैंने किचन में जब ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं ना, तो नीचे से जो ये गैप होता है काला सा ना, ये दिखाई देता है ट्रांसपेरेंट से। लेकिन हाँ, अगर आप डार्क कलर का यूज़ करते हैं तो गैप्स दिखाई नहीं देते हैं, और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सेल्फ मतलब एडहेसिव इनमें लगा हुआ आता है, तो ये अपने आप चिपक जाते हैं, और देखिए कितना बढ़िया होगी। और ये वाटर प्रूफ होते हैं और मतलब साल भर तक तो आराम से चल जाते हैं। ये एरिया देखो कितना अच्छा साफ सुथरा लग रहा है, वरना इस सिंक के पास मुझे इतने गैप दिखाई देते थे। और अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह से आप बचे हुए कुकिंग ऑयल का, जिसको आप एक बार यूज कर चुके हैं, उसको दोबारा रीयूज कैसे कर सकते हैं। ये है करीब एक गिलास कुकिंग ऑयल, जिसको मैंने एक बार यूज़ किया है। और इसको जो है दोबारा से यूज़ कैसे करें, क्योंकि इसके ना बहुत सारे नुकसान होते हैं अगर हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे बहुत। एक तो ये गाढ़ा हो जाता है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको रख देती हूँ एक दिन के लिए, ताकि जो भी इसमें गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। या फिर आप इसको छान भी सकते हैं पतले कपड़े से, और अगर ना ही छाने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक गिलास के लिए मैंने आधा कप पानी लिया है, और इसमें अब मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर, और ये कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स करूंगी। बिल्कुल नॉर्मल जो कॉर्नफ्लोर आता है ये वही है। और मैंने आधे कप में ये दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल लिए हैं, दो से ढाई बड़े चम्मच आप डाल लीजिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, और जो ये हमारा पेस्ट होगा इसको हम इस कुकिंग ऑयल में मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से
और ये पानी में कॉर्नफ्लोर मिलाया है तो ये जल्दी से मिक्स तो नहीं होगा पानी जो है कुकिंग ऑयल में, लेकिन बस आपको इस तरीके से मिला देना है और जो ये नुकसान वाली चीज़ें हैं ना वही हम इस तरह से इसमें से निकालेंगे, जो इसका गाढ़ापन है उसको हमें निकालना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम एक भारी कढ़ाई या बर्तन रखेंगे और उसमें इसको डाल देंगे और लगातार 10 से 12 मिनट तक हमें इसको चलाना है और धीरे धीरे हम इसे चलाएंगे और इसकी सारी गंदगी जो होती है वो कॉर्नफ्लोर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। चलाते चलाते धीरे धीरे, बस मतलब जितनी भी धीमी आप गैस को रख सकते हैं उतना धीमे रखिए और धीरे धीरे जो कॉर्नफ्लोर है वो उसके ना गुठले बनने लगते हैं और वो इकट्ठा होने लगता है और जो तेल की गंदगी है, इम्प्योरिटीज़ हैं, उन सबको सोखने लगता है और इस तरह से ये मोटे मोटे टुकड़ों में बदल जाता है। और आप इसे लगातार तब तक चलाएं जब तक कि कुकिंग ऑयल जो है ना वो साफ ना हो जाए। करीब इसमें 12 से 15 मिनट लगते हैं। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल साफ होने लगता है और कॉर्नफ्लोर बिल्कुल इकट्ठा होने लगता है। बिल्कुल अगर ये बहुत गाढ़े रंग का भी होता है ना तो इसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाता है, जैसे पकते पकते तेल जो है बहुत डार्क हो जाता है। और देखिए कितना क्लीन जो है कुकिंग ऑयल हमारा हो गया है और ये दोबारा से यूज करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप भी रीयूज करिए कुकिंग ऑयल को। और अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये मुझे एक कमेंट आया था और YouTube पर ही उन्होंने मुझे बताया था कि पोटली ना बनाएं। देखिए जब कभी भी हम छोले बनाते हैं या कोई सब्जी बनाते हैं तो इस तरह से एक मसालों की पोटली बनाकर डालते हैं और ये हमेशा ही होता है। तो इसके लिए मैं मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल साफ वॉश करके और उसको यूज़ करती हूँ। लेकिन एक बार मेरे वीडियो में उन्होंने देखा, फ्रेंड ने, तो उन्होंने ही YouTube पे मुझे कमेंट करके बताया कि टी इन्फ्यूज़र्स आते हैं कुछ इस तरीके के, देखिए इनमें चाय की पत्ती डालकर हम इसे जो है कप में डाल देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन टी वगैरह के लिए ये यूज़ होते हैं और बहुत सस्ते ही अमेज़ॉन पे या लोकल शॉप में आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसी के अंदर चाय पत्ती मसाले वगैरह डालकर हम यूज़ कर सकते हैं और कोई पोटली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये टिप दी और वाकई ये बहुत काम में आने वाली टिप है। और इसकी जाली इतनी बारीक है कि इसमें से चाय पत्ती भी बाहर नहीं निकलती है। वाकई ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम में आई। तो इसी तरीके से हम एक दूसरे को टिप्स देते रहते हैं, तो इसी तरह से आप मुझे बताते रहिए। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, आप सब लोग भी इसे फॉलो करिए। मार्केट में आजकल जो ऑयल कैंस आती हैं वो कई तरह की आती हैं। आप सबसे पहले अगर ऑप्शन देखते हैं तो प्लास्टिक का देखते हैं या फिर आपके सामने आती हैं इस तरीके की कुछ मेटल की। तो ये है सबसे पहले वाली एक ऑयल कैन, देखिए इसमें जो है ना कहीं पे भी कोई जोड़ नहीं है और इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है। सिंपल तरीका है, आप इससे ऑयल निकाल सकते हैं, खुल जाती है, बंद हो जाती है, बिल्कुल एक सिंपल बॉटल की तरीके से ये है। ये सबसे बेस्ट रहती हैं, सबसे बढ़िया रहती हैं। और ये है सेम, बिल्कुल इन दोनों में आगे नोजल है जिससे ऑयल निकलेगा, लेकिन इनका एक वर्स्ट पार्ट क्या होता है कि यहाँ इसमें एक जोड़ होता है इस तरह से और उसके बाद इसको इसमें लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। कभी कभी शुरुआत के कुछ दिनों तक तो ये सही चलती है लेकिन कुछ दिनों बाद इसमें यहाँ से एक लीकेज होने लगती है जो कि एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो जो मेरे पास एक ऑयल कैन थी उसमें यही प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पे उसमें लीकेज स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैं जोड़ वाली कभी भी ऑयल कैन्स नहीं लेती हूँ। इनको तो हटा दीजिए। तो अगर मेटल की लेना आप चाह रहे हैं तो ये सबसे बढ़िया रहती है। ये जो लीकेज वाली प्रॉब्लम है ये मेरे साथ हुई थी, तब से मैं इस तरीके की ऑयल कैन यूज़ नहीं करती हूँ। और हाँ, एक ऑयल कैन आती हैं जिनमें हैंडल लगा रहता है, तो ये बड़ी अगर आप ऑयल कैन ले रहे हैं तो हैंडल अच्छा रहता है, हाथ से फिसलने का डर नहीं रहता है क्योंकि ये चिकनी हो जाती हैं या लगातार हमें इनको पोंछना पड़ता है। और अब बारी आती है ग्लास की ऑयल कैन की। तो सबसे पहले बड़ी ऑयल कैन मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये 1 लीटर से ऊपर साइज की है।
अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर ही है ये, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ग्लास की इतनी बड़ी ऑयल केन ना लें, हाथ से फिसलती है और बहुत जल्दी ये टूटती है और इसका ग्लास काफ़ी हल्का और पतला होता है। तो इसके बजाय आप लीजिए ग्लास की ही, अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़े से थिक ग्लास की, ये ट्रियो की है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कम जगह में आ जाती है, और ग्लास की अगर आपको बड़ी लेनी है तो इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो मैं जैसे अगर आप मतलब ये एक तो आधा लीटर से आसपास की है तो वैसे ही इसका साइज़ बिल्कुल आइडियल है, क्योंकि बहुत बड़ी जो हूँ मैं ऑयल केन नहीं रखती हूँ, और स्पेशली ग्लास की अगर आपको लेनी है तो ये एक छोटी है बोरोसिल की, ये बहुत अच्छी है। इसमें सारे देखिए यहाँ पे मेजरमेंट भी लिखे हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना ऑयल बचा है। तो ग्लास की इस तरीके की आप ले सकते हैं। और अब ये हैं जो ऑयल केन हैं, ये हैं थोड़ी सी ग्रेविटी का इसमें एक रोल है, बताती हूँ आपको। एक तो ये बहुत अच्छी इसलिए हैं कि इनका साइज़ बिल्कुल आइडियल है, ग्लास इनका थोड़ा सा थिक है, और ऊपर से जो इनकी लिड है वो फूड ग्रेड प्लास्टिक की बनी हुई है, जैसे ही आप इसे झुकाते हैं ये अपने आप ओपन हो जाती है। तो इससे ना बार बार हाथ से खोलने और बंद करने का जो झंझट होता है ना वो नहीं रहता है, और ये इसमें ना ट्रांसपेरेंट है तो ये दिखाई भी देती रहती हैं। आप लोग ऑयल के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं जो हूं ना ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करती हूं, जैसे सैंडविच वगैरह में लगाने के लिए, बता दूंगी डिटेल में आपको। तो एक में तो वो आ गया, और दूसरी वाली जो इस तरीके की ऑयल केन है उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज करती हूं, तो उसे मैंने भर दिया है इसमें। तो ये ऑयल केन मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने जो है इनको यूज मतलब मैंने करना स्टार्ट कर दिया है, ले ली है मैंने ये। तो इसके अलावा देखिए कुछ सेरेमिक की आती हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और पसंद सिर्फ इसलिए है कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, क्योंकि इसमें ना तो ये दिखाई देता है कि इसमें कितना ऑयल बचा है, कौन सा ऑयल इसमें भरा हुआ है, क्योंकि जल्दी काम करने की वजह से इसके मार्कर समझ में नहीं आते हैं जो हम लगा देते हैं, और ऊपर से जो इसका देखिए निकालने का होता है ना, ये बहुत ही बेकार है। इस टाइप की ऑयल केन आप मत लीजिएगा, ये पूरा निकल आता है, और हमेशा इसे निकाल कर ही इसमें से ऑयल निकालना पड़ता है। तो ये छोटी सी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इन चीज़ों की हमें डेली ही बहुत ज़्यादा जो है हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा देखिए इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, और हाँ तीसरा ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ वो तिल का तेल यूज़ करती हूँ खाने के लिए, मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ अपने खाने में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और ये है मेरी पसंदीदा ऑयल केन जिनको कि मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, साइज़ में छोटी हैं, ग्लास की हैं, और ट्रांसपेरेंट तो ये हैं ही, इस तरीके की बहुत अच्छी रहती हैं, और इनको क्लीन करना भी बहुत मतलब आसान होता है। और एक मेरे पास ऑयल केन ये थी, आपको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ये मतलब मेरी टूट गई है एक, तो इसमें मैं मनी प्लांट वगैरह लगाती हूँ, ये भी अच्छी हैं, अच्छी थी लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में थी, और इनकी जो ऊपर की नोजल थी ना वो अच्छी नहीं थी बस। और ये है एक बहुत पुरानी ओखली जिसे खलबट्टा भी कहते हैं, जब इसमें हम कुछ कूटते हैं ना तो वो बाहर गिरने लगता है, और हमेशा हाथ लगा के इस तरीके से कूटना पड़ता है। छोटी मोटी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन अगर ज़्यादा जैसे मैं कोई भी चीज़ इसमें कूटती हूँ तो बाहर निकलता है। तो देखिए इस तरीके के जो प्लास्टिक के डब्बे आते हैं उनकी कैप ले लीजिए, किसी और खाली डब्बे की बॉटल की कैप ले लीजिए, मेटल के भी हो ना तो वो भी चलेगी, और बीच में जो है इसमें इस तरीके से होल बना लीजिए। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बड़ा जो है ढक्कन लिया है, आप छोटा ले लीजिएगा, और फिर जब इसमें कुछ कूटते हैं ना तो बिल्कुल बाहर नहीं गिरता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैंने एक अमेज़ॉन से ली थी, थोड़ी कॉस्टली है लेकिन ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, और ये मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसी हैक का यूज़ करिए और कोई छोटी वाली लिड इसके ऊपर लगा के होल कर लीजिए, बहुत बढ़िया यूज़ होता है। ये आटा मेकर वाला बैग जो है ना मेरी मम्मी ने किसी वीडियो में देखा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको लेके देख ये कैसा है, तो मैंने जस्ट ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए मंगाया, सिलिकॉन का बना हुआ है और बिल्कुल अच्छी तरीके से ये मुड़ जाता है, और इसके साथ ये बांधने के लिए ऊपर और आई है, तो मैंने सोचा चलो यूज़ करते हैं बिगनर्स के लिए कैसी रहेगी ये। तो ये बैग ना इसमें आटा बन जाता है, तो इसके अंदर जितना आटा आपको बनाना है वो डाल दीजिए, और अंदाजे से इसमें पानी डाल सकते हैं, बीच बीच में भी इसे खोल के
इसमें पानी डाल सकते हैं और उसके बाद ना इसे बंद करके पटकना पड़ता है और आटा गूंध जाता है। हमें तो जो है ना काम करने की अपने तरीकों से आदत है, चाहे इसमें कितना ही आसान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, उसी तरीके से आटा बनाएंगे जैसे हम अब तक बनाते आ रहे हैं। लेकिन बिगनर्स के लिए या जो लोग अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहते हैं और फटाफट मतलब वेस्टेज कम हो उसका मतलब काम करना चाहते हैं, तो ये बैग उनके लिए सही है। बिगनर्स के लिए जो है बढ़िया आटा इसमें गूंध गया था, मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाया, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से बन जाता है। लेकिन हाँ क्वांटिटी इसकी थोड़ी कम रहेगी, तो मुझे ये चीज सही लगी। अगर आप हाथ गंदे नहीं करना चाहते हैं तो, या अगर आप जैसे मैं जो हूँ दो तरह का आटा डेली बनाती हूँ, जैसे एक तो नॉर्मल और एक मिस्सा आटा, तो एक तो हमने बना लिया और दूसरा इसमें बना दिया तो सही है। तो हाँ एक ये चीज जो लोग बनाना चाहते हैं आटा इस तरह से, वो इसका यूज कर सकते हैं। आटा बन जाता है इसमें अच्छी तरीके से और हाथ गंदे नहीं होते हैं और वेस्टेज भी कम होती है। शानू की आदत है हर चीज में। क्या गिरा दिया? शानू की आदत है ना हर चीज में बटर डाल के खाता है, तो ये बटर कटर है, बढ़िया चीज है। देखते हैं बताएगा यही, इसके अंदर बटर डाल के और फिर कट करते रहते हैं, छोटी छोटी स्लाइसेस कट हो जाती हैं। क्या निकाल रहा है? क्या हुआ, गर्मी लग रही है? और देखो शानू ने क्या मंगाया है, ये होता है बटर कटर। इसको बटर कटर है ये, इसको दबाते रहते हैं और इसमें से छोटी छोटी स्लाइस में कट के आती रहती है बटर। हाँ डब्बा इसमें काटा, इसको जोर से बोल, इसको जो दबाया यहाँ से इसमें से निकल के आ जाती है। तो इसके अंदर क्या बटर रखना पड़ता है? हाँ, इसका पहले से जो है हाँ, फिर इसको थोड़ा थोड़ा दबाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, खुल जाता है ये। नहीं जाता, इसका ये आ जाता है, बाहर आ जाएगा। क्या कर रहा है? ये होता अच्छा है। ये निकाल दिया इसका, अब इसमें यहाँ पे जो बटर डाल दो, ऊपर से यहाँ बटर डाल देते हैं और फिर इसको ये ध्यान से देख के इसको यूं लगा दो। अच्छा पहले से निकाल के लगाना पड़ता है? पहले से निकालना पड़ता है, उल्टा ही इसको करते रहो तो निकल आता है बाहर। हाँ, फिर इसमें जो बटर डाल दो इसी के साइज का। हाँ, और फिर इसको वापस लगा दो। अच्छा, वापस लगाने वाले इसका जो कैप जो बंद करो, फिर इसे दबाते रहो। अच्छा करके दिखा, जैसे ये पूरा काट लिया, एक सेकेंड। हाँ हाँ, ये इसको पूरे को इसमें डाल देंगे। अरे शानू, अच्छा ये पहुंच गया इसके अंदर। अरे वाह। और अगर इसे पतला करना हो तो? क्या पतला करना हो तो? पतला ही नहीं, पता मुझे पतला नहीं होता, इतना ही आएगा इसमें। बस बस खराब क्यों कर रहा है, ऐसे सही है, छोटे छोटे से पीस निकल आएंगे बटर के इसमें से, है ना। और इसी को फ्रिज में रख दो, इसी को नोट कर दो, है ना, फ्रिज में रख दो, फिर जब चाहिए इतना कट कर लो, नहीं तो फ्रिज में जब बहुत जम जाता है ना तो ये कट नहीं होता। लेकिन ये ठीक है बटर कटर। जो मेरे प्लांट्स हैं ना, जो बड़े हो जाते हैं जब हवा चलती है, तो उनकी इस तरीके से जो ब्रांचेस होती हैं ये टूट जाती हैं और कभी कभी ना ये बहुत ज़्यादा फैल भी जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको किस तरह से बांधा जाए, तो एक सिंपल कोल्ड ड्रिंक की छोटी बॉटल ली और इसको कट कर दिया। तो जहाँ इसे आगे से कट किया और इसी तरीके से इसको मैंने पीछे से कट कर दिया, क्योंकि इनका मैं यूज़ करने वाली हूँ इन्हीं प्लांट्स को सही तरीके से रखने के लिए। तो ये आगे पीछे से जब कट हो जाएंगी ना, तो बीच में से भी इनको काट देंगे, तो ये एक इस तरह से रोल इसका तैयार हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब रियली छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़ी काम आई। इस तरह से लगा दिया इसको और ये ना निकले, इसके लिए क्या करिए, एक पेपर टेप ले लीजिए और उसे इसके ऊपर लगा दीजिए। तो जिस प्लेस पे भी रखना है, तो एक तो इससे जो प्लांट है ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बंधा हुआ रहता है, हमें रस्सी वगैरह बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और प्लास्टिक का ना रीयूज़ हो जाता है और देखने में भी ये अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से जो भी प्लास्टिक की बॉटल आए ना उसको यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। और कई बार कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फैल जाते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये एक मेरा प्लांट है, बहुत मुझे पसंद है ये वाला, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा जो ग्रो हो रहा है वो टेढ़ा हो रहा है और अभी मैं इसको रिपॉट नहीं करना चाह रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसको एक सपोर्ट देना था, तो मैंने इसी तरीके से बॉटल का ये पीस कट कर लिया और यहाँ पे लगा दिया। तो दो
दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ऐसी ही छोटी छोटी चीजों को लेकर मैं आजकल वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट मैं पूरी कर रही हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।